भिवंडी शहर में आप लोगों को जो मदद पहुंचना चाहिए वो 10-20 गुना बढ़ गई है। और आज हम लोग कितने लोगों को योजना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? 245 लोगों को आज ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये सब लोगों को सरकार की तरफ से आने वाले दिन में पेंशन चालू हो जाएगी, 1500 रुपया महीना मिलेगा। के लिए दिन और रात काम करते रहते हैं। गिरी साहब, तुम जाना चाहिए आज की महफिल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मोहब्बत से तालियों के लिए। आवाज नहीं आ रही है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के कोनार कारकेट एमएलए रईस शेख की ऑफिस पर। आपको बता दूं, यहां पर एक आज प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का नाम था पेंशन ऑर्डर व्हाटअप योजना। उसके तहत यहां पर जो जिनका पेंशन बन चुका है, यानी जिनका सर्टिफिकेट रेडी हो चुका है, वो सर्टिफिकेट यहाँ आज लोगों को बांटा गया। तकरीबन 245 लोगों को यहाँ पर बांटा गया। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए एमएलए रईस शेख ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। उसके बाद उन्होंने आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में किस तरह का वो समाजवादी पार्टी किस तरह से इलेक्शन लड़ने वाली है उस पर भी बात हुई, और भिवंडी शहर के जो खड्डे हैं वो सब पर भी एमएलए रईस शेख से बात हुई। क्या कहा हमारे चैनल से, आइए सुनते हैं। देखिए, आज 245 लोगों को हमने सर्टिफिकेट बांटा, लेकिन ये पहली बार नहीं है, कई 100 लोगों को हमने बांट चुके हैं। सरकार की जो योजना होती है, जिसको संजय गांधी निराधार योजना बोलते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, चाहे वो विधवा हो, अकेली रहने वाली औरत हो, हैंडीकैप लोग हो, बुजुर्ग हो, ये योजना के लिए जब मैं आमदार बना था तब से देखता था कि लोग बहुत धक्के खाते हैं तहसील ऑफिस में जाना। और तहसील ऑफिस का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको छोटे छोटे पेपर्स चाहिए होते हैं, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, किसी का डोमिसाइल नहीं होता है, किसी का एफिडेविट करना होता है। तो हमने 4 साल पहले ये पूरी सुविधा हमारी ऑफिस में कर दी थी, और मुझे खुशी 1000 के ऊपर ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी है, उन तक हम पहुंच पाए, उनको हमने योजना का लाभ दिया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए। और आप देख रहे हैं कि जो सबसे कमजोर तबका है, जिनका कोई सहारा नहीं, आज जितने लोग आप आके देख रहे हैं बहुत ही कमजोर है, ना हस्बैंड है ना बेटा ध्यान दे रहा है, तो उनको अब सरकार की तरफ से 1500 रुपया हर महीना जो है योजना का लाभ मिलेगा। और महाविकास अघाड़ी की जो बैठक हो रही है उसमें चर्चा चल रही है कि हमारा कॉमन मैनिफेस्टो निकलेगा, तब हम इसको 1500 को 3000 करने वाले हैं। ये योजना कोई भी सरकार आए, ये ऐसा नहीं है, योजना हमेशा चलती रहती थी। लेकिन 2019-20 में जब मैं आमदार बना तो मैंने पता किया कि तहसील ऑफिस में बेचारे लोग, पहले तो 1500 भी नहीं थी, 1000 थी, 1000 रुपया पेंशन के लिए भी रिश्वत ली जाती थी। लेकिन आज हमने अधिकारी बदले, आपने देखा कई अधिकारी यहाँ थे, बेचारे आकर घर में जाके पंचनामा करके जो है योजना का काम करके दे रहे हैं। योजना पहले से है, सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, ये पूरे महाराष्ट्र में बहुत पहले से संजय गांधी निराधार योजना चल रही है, कांग्रेस के जमाने से चल रही है। सरकार बदलने के बाद ये हो सकता है कि अगर अच्छी सरकार आएगी तो इनका सोच के यही योजना के लाभ बढ़ाएगी। लाडली बहना योजना जो है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है कि वो किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो है लोग कह रहे हैं कि सिर्फ तीन महीने के लिए निकाला, क्योंकि भी इलेक्शन है आगे, तो सिर्फ 3 महीने के लिए निकाला और आगे वही होगा। देखिए, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने निकाली है सभी महिलाओं के लिए जिनकी इनकम 2,20,000 के नीचे है, ज्यादातर गरीब लोग इसमें कवर होते हैं। लेकिन लाडली योजना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वेबसाइट पूरी हैक हो जाती है, उसमें जब आप लॉगिन करते हैं तो रात में बैठ के हमारे बच्चे उसका फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि रात में जो है उसकी ट्रैफिक कम होती है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लाडली योजना में भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो हम पूरा एक पूरा हमने सेटअप किया है, 750 महिलाओं को तो हमने रजिस्टर कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे भिवंडी शहर के अंदर गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते,
तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनाएं, लेकिन सरकार बदलेगी क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी और इंशाल्लाह आएगी तब ये योजना को देखना। हम घर में जाके पंचनामा करके 3,000 रुपया देंगे, जो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मेरी प्राथमिक चर्चा हुई है। इस योजना का लाभ महाविकास अघाड़ी सरकार दुगना करेगी। देखिए, मैं कल सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री साहब के आसपास के तमाम लोग, यूडी के लोग, सबसे मैंने चर्चा की और मैं आयुक्त से लगातार, अगर मेरा व्हाट्सएप आप देखें तो एक एक रास्ता मैंने उनको बताया। कल तो ये हुआ कि जुबेर वगैरह को कह के तैयब मस्जिद के सामने जो पूरा खड्डा नहीं हो तो रास्ता ही नहीं है, हमने कल वो हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करके भरवाया। अमजदिया रोज पे कल मैंने भरवाया, आप अगर देखेंगे कि वंजरपट्टी नाके के अंदर ऐसा लग रहा था कि धस जाएंगे, वो ट्रैफिक पुलिस ने मुझसे कहा, फिर मैंने काफ़ी चिल्ला पुकार करके वो भरवाया। रास्तों पे खड्डे तब आते हैं जब आप उसका ख्याल नहीं करते। 20 साल से रोड नहीं बने, रोड जो बने वो अब इसमें ही बने। शांतिनगर रोड देखिए, अगर नहीं बना होता तो आज क्या हालत होती। पाइपलाइन रोड बना, खंडूपाड़ा रोड बना, नायगांव रोड बना, उसके बाद अंसारी मेडिकल का बना। हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड सीसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका है। इस महानगर पालिका को कितना भी समझाओ, मैंने तो महेश चोगले जी से भी कहा है, बाले मामा जी से भी कहा है कि हम तीनों मिलकर आप महानगर पालिका का घेराव करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि महानगर पालिका अपनी बिल्कुल जवाबदारी पूरी नहीं कर रही। कुत्तों के बारे में जो हुआ, जो एक दिन में 30 लोगों को कुत्तों ने काटा, कल सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर मैंने उसकी डिविजनल कमिश्नर की इंक्वायरी लगाई। चाहे कोई भी काम हो, महानगर पालिका पूरा नहीं कर पा रही, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, रास्ते हो, टॉयलेट हो, आप रिकॉर्ड निकालिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि महानगर पालिका ने 5 साल में कितना पैसा खर्चा किया और आमदार रहस्य के माध्यम से कितना पैसा खर्चा हो। लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमारे साथ अब आना चाहिए रास्ते पे। ये महानगर पालिका बेशरम महानगर पालिका, भ्रष्ट महानगर पालिका है। कल भी मैं महानगर पालिका के विषय में मुख्यमंत्री साहब से मैंने कहा कि आप देखिए हालत क्या है, मैं वीडियो लेके गया उनके पास, लेकिन आज पूरे राज्य के हाल क्या आपको मालूम है। हम लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अब लोक प्रतिनिधि होने के नाते हमारे तीनों के पास, अलग अलग पार्टी के हम, लेकिन हमारी भावना सेम है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि हम तीनों मिलकर महानगर पालिका का घेराव करें। देखिए, ये जो अफवाह पैदा करने वाले ना, ये चाय खाने पे बैठे हुए छोटे मोटे जो लोग, जिनको कुछ चर्चा करने नहीं मिलती। आप इतना बड़ा समंदर देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं भिवंडी में, लगातार 24 घंटे मैं और मेरी टीम समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार लीडर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम, मैं ही नहीं, भिवंडी वेस्ट से भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी और भिवंडी शहर की दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। और ये जो अफवाह फैला रहे हैं, मैं फला जगह से लड़ रहा हूँ, कोई कह रहा है मालेगांव से लड़ रहा हूँ, कोई कह रहा हूँ बाइकला से लड़ रहा हूँ, ये अफवाह उन जिनके पेट में दर्द है, जो ये गरीबों को मदद मिलते हुए नहीं देख सकते, जो विकास नहीं देख सकते, जो चाहते हैं कि भिवंडी आगे बढ़े नहीं, जिनको पुराने भिवंडी पसंद है जहाँ वो अपनी राजनीति कर सके। बहुत लोगों को लग रहा है कि आगे जाके कॉरपोरेशन में भी जो है बदलाव आएगा, तो ये सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। भिवंडी ईस्ट अल्लाह ने मुझे यहाँ लाया है और आगे भी रखेगा, और आगे भी चुनाव लड़के इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करने का काम हम करेंगे।